हे गाइस, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल ब्लॉगर। तो आज से हम एटा ब्लॉग्स की एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। होप कि आपका प्यार वैसा ही मिलता रहेगा जैसे बाकी वीडियोज में मिलता रहा है। तो आज की लोकेशन हम आपको बताने वाले यहाँ नहीं हैं, ये लोकेशन का पता आपको लोकेशन पर जाकर ही चलेगा। तो उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप इस लोकेशन पर एटा की तरफ से आने वाले हैं तो रास्ता आपको बीच में थोड़ा सा ख़राब मिलने वाला है, सो बी केयरफुल। चल के देखते हैं भाई नीचे क्या है। ये दो गेट बंद कर दिए हैं इन्होंने, दो बंद हैं दो। नदी के किनारे बैठ के पानी की कलकल को सुनने से अच्छा शायद ही दुनिया में कुछ लगेगा। तो हम वही देखने आए हैं। आज हम आए हैं एटा से 12 किलोमीटर दूर, आपको दिखाने के लिए लाए हैं झाल और यहाँ की नहरें। चलिए आपको व्यू दिखवा देते हैं एक बार, देखिएगा पानी बहता हुआ पानी क्या मस्त आवाज के साथ में। अभी थोड़ा सा ये दिक्कत हुई कि ये बाकी गेट बंद हैं, इसलिए एक ही गेट में आपको देखने को मिलेगा। बाकी ये तीनों सारे गेट खुलते हैं उस टाइम पर, बहुत बेहतरीन उसी तरीके का जैसे उस गेट में दिख रहा है उसी तरीके से सारा पानी दिख रहा होता है। और ये जो बम्प्स बन रहे हैं वो आपको यहाँ से लेकर काफ़ी आगे यहाँ तक दिखाइए। तो अभी ये केवल एक ही दिखा पाएंगे आपको, तो नेक्स्ट टाइम आपको ये पक्का दिखाएंगे। एक ब्रिज ये है जिस पर हम खड़े हुए हैं, ये आपको दिख रहा होगा क्रॉसिंग के लिए, इसको बोलते हैं झाल, क्योंकि यहाँ पे नहरें कनेक्ट होती हैं और इसके बाद यहाँ दो जगह डिवाइड हो जाती है। इसके अलावा इस वाली नहर पे आप देखते हैं नेक्स्ट ब्रिज है, आपको दिखाई देगा दूर दूर तकरीबन 1 किलोमीटर के आसपास आपको दिखाई देगा। इसी में दिखाते हैं आपको दूसरी नहर कहाँ कनेक्टेड है, जो दूसरी नहर निकलती है वो दिखाते हैं आपको। इसी में काफ़ी सारे लोग देखने भी आते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे खड़े हुए लोग। कुछ लोग उतर के देखें क्या कर रहे हैं। ओहो ये क्या कर रहा है, मछलियाँ पकड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं मछलियाँ पकड़ रहे हैं, मछलियाँ घर से आ जाती हैं, उतर कहाँ से गए यहाँ पे, यहाँ से। अच्छा क्या चद्दर लगा दी पकड़ ली।
अगर आप सी साइड पे नहीं जा सकते तो आप यहाँ नहर पे आ सकते हैं, लेकिन सी का व्यू आएगा आपको साइड में, आपको किनारे पे बैठ सकते हैं वहाँ से आराम से, शाम को टाइम आप बता सकते हैं आराम से। ये बंद क्यों कर रखे, पानी का फ्लो कम है क्या? इसी में भी सुनहर में जो उसमें देखा था मैंने, उसी की तरह इसमें भी एक ही गेट खोल रखा है इन्होंने, बाकी शायद खुले भी होंगे तो बहुत हल्के खुले हुए हैं। एक चीज़ और दिखाते हैं आपको, देखिए मछली पकड़ने के लोग कहाँ कहाँ चढ़ जाते हैं यार, कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं। यहाँ से गलती से भी गिर जाए बहरहाल, इनको तैराकी आती होगी लेकिन स्टिल ये चीज़ गलत है भाई, मछली पकड़ने के चक्कर में अगर बाई चांस कहीं जान पर बने आए कितना खतरनाक चीज़ हो जाएगी। बहते पानी की लहरों के पास बैठ के ढलते हुए सूरज को देखना ये कैसा है, ये मैं आपको शब्दों में सच में बयान नहीं कर सकता। ऐसे दृश्य को देखते देखते कब एक घंटा बीत गया हमें पता ही नहीं चला। अभी मैं बैठे हुए काफ़ी देर हो चुकी है, करीब हमें हो चुका है एक घंटे के आसपास, तो अभी तो हम निकल रहे हैं। बाकी अगर ये गेट सारे खुले होंगे तब इस टाइम और दिखाएंगे कभी आपको अगर मौका लगेगा तो, अभी तो एक ही गेट खुला हुआ था। तो हम किसी और प्लान में आए थे साथ में, सोचा कुछ भी कर लेते हैं, तो अभी इतना ही, अभी देखते हैं नेक्स्ट टाइम कब मौका मिलेगा तब दिखाएंगे आपको, अभी तो हमें भी निकलना पड़ेगा, काम भी ज़रूरी है। बाय बाय फॉर नाउ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अपने आप ही मिल जाए। और हाँ, अगर आपके पास कोई सजेशन है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।